हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट अब एंड होप सो फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे मोस्ट प्रोबेबिलिटी लोगों ने कहा है क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आए थे क्वेश्चन पेपर बहुत आसान और बहुत डिफिकल्ट नहीं थे नॉर्मल थे मॉडरेट थे ठीक है डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पेपर देखिए अपने सब्जेक्ट के हंड्रेड क्वेश्चन थे हंड्रेड क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे अपने सब्जेक्ट से आर्ट एजुकेशन से आर्ट एजुकेशन अदर्स बात कर लेते हैं फिफ्टी था फर्स्ट पेपर से जिनमें से इंग्लिश इंग्लिश के क्वेश्चन में दो एक्टिवाइज पैसिवाइज आए थे ठीक है एक्टिवाइज पैसिवाइज दो था और अच्छे थे इंग्लिश के भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था सेकेंड बात कर लेते हैं हिंदी हिंदी के क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी उनको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगा होगा हिंदी इंग्लिश रीजनिंग की बात कर लेते हैं देखिए रीजनिंग बहुत अच्छा आया था रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छा आया था पेडोलॉजी के कोई क्वेश्चन नहीं आए थे इवन इन्वायमेंट से थोड़े कुछ कुछ क्वेश्चन थे डिफिकल्ट भी थे और ईजी भी रहे थे चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट आर्ट एजुकेशन के बारे में सबसे पहले ये पेंटिंग आई हुई थी और पूछा गया था कि ये पेंटिंग किस टाइम ड्यूरेशन में बनाई गई है जैसे कि आप पिक्चर्स को देख के पहचान सकते हैं ये पेंटिंग जो है ये मारू रागिनी है मारू रागिनी और मारू रागिनी कब बनाया गया था मेवाड़ शैली में और क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी शैली कौन सी है शैली जो है वो मेवाड़ शैली है सेकंड क्वेश्चन ये पूछे गए थे सिंपल तरीके से क्वेश्चन में बस पूछा गया था कि ये क्या ये पोर्ट्री जो है ये किस टाइम ड्यूरेशन की है क्वेश्चन में ऑप्शन में था इजिप्ट था और चाइना भी था और इंडस वैली सिविलाइजेशन था और देखिए इसके बारे में हमने जब आपके साथ एन सी आर टी की बुक्स के बारे में डिस्कस कर रही थी एन सी आर टी के बुक्स में मैंने प्रॉपर इसका पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन की थी सेम इसी को पूछा गया था तो इसे देख के आप पहचान गए होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लॉयन कैपिटल जैसा कि आपको पता है कि लायन कैपिटल के बारे में भी मैंने आपके साथ अभी लास्ट वीक ही डिस्कस की हूँ लायन कैपिटल से सिंपल तरीके से बस ये पिक्चर देकर पूछा गया था एक तो लायन कैपिटल था और पिक्चर्स तो नहीं देखिए ये पूछा गया था कि क्या बनाया गया है फ्लावर में लोटस ठीक है लॉयन कैपिटल में फ्लावर में क्या है एक ऑप्शन में लोटस था कुमुदनी था मतलब कमल था कुमुदनी था रोज था चार चार ऑप्शंस थे ठीक है आप पहचान ही सकते हैं उल्टा कमल के शेप में है और ये था बाज पक्षी और इस क्वेश्चन में सिंपल तरीके से पूछा गया था कि ये किस टाइम ड्यूरेशन का है जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन का और कौन से आर्टिस्ट बनाए थे आर्टिस्ट मंसूर ठीक है यहाँ पे कोई क्वेश्चन बस सिंपल पूछा गया था किस टाइम ड्यूरेशन का है नेक्स्ट है ये प्रिंट दिया हुआ था पूछा गया था ये प्रिंट इन्होंने ये प्रिंट देख के आप पहचान ही जाएंगे कि ये देवी की देवी किसने बनाई है ज्योति भट्ट ने ज्योति भट्ट ज्योति भट्ट कौन है ज्योत्सना भट्ट के हस्बैंड है ज्योति भट्ट इन्होंने देवी प्रिंट ये रेडी किए थे सिंपल बस इसका मीडियम पूछा गया था किस माध्यम में बनाया गया है ये बनाया गया है एचिंग में एचिंग जिसे अम्लांकन कहते हैं नेक्स्ट ये पिक्चर दिया हुआ था एज ए टेस्ट और पूछा गया था ये क्वेश्चन की ये क्या है और ऑप्शन में था देखिए चार ऑप्शन था एक था बीबी का मकबरा सेकंड था एतमुद्दौला का मकबरा थर्ड ऑप्शन में था देखिए दो ही मुझे याद है तो दो में याद रखिए कि ये है बीबी का मकबरा ठीक है बीबी का मकबरा जिसे एज इज ताजमहल को देखकर देखिए देख के ऐसा लग रहा है ना ताजमहल का रिफ्लेक्शन तो इसे ताजमहल की नकल कही जाती है बीबी के मकबरा को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंपल बस पूछा गया था क्वेश्चन अब मैं स्टार्ट करती हूँ अभी तक हमने जो पिक्चर्स के थ्रू आपको डिपिक्ट किए हैं वो सारे पिक्चर्स दिए हुए थे और सिंपल तरीके से बस पूछा गया था अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन है एग्जाम मतलब सॉरी जिन्होंने पेपर दिया होगा उनका तो पहला नहीं होगा देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था अमृता शेरगिल की पेंटिंग तीन लड़की का मीडियम पूछा गया था जैसा कि आपको पता है कि ऑयल कलर में बनाया गया है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन था नागर और द्रवीण शैली से कौन सी शैली बनती है जब नागर और द्रवीर शैली को मिक्स करेंगे तो कौन सी शैली बनेगी बेसर अच्छा एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ क्वेश्चंस के टर्म जरूर थोड़े चेंज हो गए होंगे लेकिन क्वेश्चन इसी इसी तरह से एथेक्टली पूछा गया था ठीक चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑयल कलर में कौन सा मीडियम का प्रयोग नहीं हुआ है ऑप्शन में एक था हॉग हेयर ब्रश सेकंड था लिंसिड ऑयल थर्ड था, था ट्रिपेंटाइन और समथिंग और फोर्थ में थे ड्राई पेस्टल जिनमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स में क्वेश्चन दिए गए थे और इंग्लिश जिन्होंने देखा होगा उन्होंने डायरेक्टली टच कर दिया होगा हिंदी में थोड़े से चेंज वर्ड्स में दिए थे नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मड़ास राजकुमारी मड़ासध राजकुमारी जिसे बोलते हैं डाइंग प्रिंसेस डाइंग प्रिंसेस मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था आप लोगों के के साथ केव नंबर के राजकुमारी राज के है। है, के नंद। नंद राज और सिंपल तरीके से बस क्वेश्चन पूछा था कि बसावन की शैली के कलाकार है बसावन बिलोंग करते हैं अकबर टाइम ड्यूरेशन से राजा रवि वर्मा किस मीडियम में कार्य नहीं किए थे ऑप्शन में था ओलियोग्राफी ऑयल कलर जो भी ऑप्शंस थे वो सारे ही करेक्ट थे उन्होंने फ्रेस्को में काम नहीं किया था है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है एज अ टिस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुतुब मीनार की ऊंचाई ये वाला टर्म्स बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन फोर थर्टी फाइव सिक्स के समथिंग में थे उनमें से टू थर्टी फोर करेक्ट था मतलब ये टाइम डोरेशन है तो ये वाला ही करेक्ट हो गया नेक्स्ट देखिए गोल गुंबद कहाँ है गोल गुम्बद कहाँ पर है बीजापुर में है और क्या है गोल गुंबद ये है आदिल शाह का मकबरा आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में आदिल शाही वंशशाला था और गोल गुम्बद आदिल शाह का मकबरा है और अगर पूछा जाए नेक्स्ट फ्यूचर एग्जाम में कि किसने डिजाइन किया याकूब ने याकूब ने डिज़ाइन किया कुतुब मीनार किससे संबंधित है कुतुबुद्दीन ऐबक फोर ऑप्शन थे जिनमें से करेक्ट हुआ है कुतुबुद्दीन एबक नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार से देखिए थ्री टू फोर क्वेश्चन पूछे गए थे कुतुब मीनार में कौन सी आकृति का प्रयोग किया गया है देखिए इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं श्योर sure नहीं हूँ क्योंकि ऑप्शन जो थे वो ट्रैंगल रेक्टेंगल इस तरह के टू टू मतलब पेयर बाई पेयर टू टू करके फोर ऑप्शन की वजह एट ऑप्शन थे मतलब पर ऑप्शन में टू थे जैसे यहाँ गोलाकार हो गया यहाँ पे कुछ और करके एक टर्म्स लिखे हुए थे मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो वाले क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांसेस है क्योंकि और जो थ्री ऑप्शंस थे वो तो मतलब जाहिर सी बात देख के ही पता चल रहा था कि वो रॉन्ग है नेक्स्ट है बारू रागिनी का चित्र किस शैली में चित्रित हुआ था मारू रागिनी का जो पेंटिंग है वो मेवाड़ शैली में चित्रित हुआ था बनी ठनी चित्र किसने चित्रित किया बनी ठनी बहुत फेमस पेंटिंग है आर्टिस्ट निहाल चंद्र के टाइम ड्यूरेशन की निहाल चंद्र आर्टिस्ट ने बनाया है और ये बनी ठनी जो है इसे पुरातन भारतीय मोनालिसा के नेम से जाना जाता है एज एटिस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बनी ठनी जो पेंटिंग है वो किसने चित्रित किया निहाल चंद्र ने किशनगढ़ शैली में किस, से शैली किस शासक से संबंधित किशनगढ़ शैली के शासक से संबंधित राजा सावन सिंह क्वेश्चन देख के काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे ना नो डाउट क्वेश्चन अच्छे आए थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंधु सभ्यता में सॉरी यहाँ में होनी चाहिए बाई मिस्टेक टाइपिंग में हो गया चलिए सिंधु सभ्यता में कौन से चित्र नहीं हुई मूर्तिकला चित्रकला बर्तन कला पता है इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि जो फोर ऑप्शन्स थे वो फोर ऑप्शन अपने में ही बड़े कन्फ्यूज कर रहे थे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बर्तन कला लेकिन देखिए पॉटरी पे भी काम हुआ है वहाँ पे मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं वहाँ पे चित्र भी बनाए गए हैं तो इस क्वेश्चंस को मैं स्किप करती हूँ अब जब आंसर की आएगी तो देखा जाएगा लैपिज ल्यूजिक क्या है लेपिज ल्यूज से देखिए दो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे टू कर लीजिए प्लस कर लीजिएगा कि दो क्वेश्चंस पूछे गए थे एक बार पूछा गया था कि लेपिज ल्यूजिक क्या है और दूसरे टर्म्स में भी पूछा गया था लेपिज ल्यूजि से रिलेटेड लेकिन ऑप्शंस अलग अलग थे तो ब्लू कलर और वो दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे थे अभी मुझे बिल्कुल मतलब सर्टेन माइंड में नहीं आ रहा था तो मैंने बस एक ही लैपिस लेज्यू को ले लिया है और आपको क्लेरिफाई कर दियूं कि दो लैपिस लेज्यू आए हुए थे लॉयन कैपिटल सारनाथ में है उसमें क्या बना हुआ है लोटस कमल बने हुए हैं सांथाल सान्था, परिवार सांथाल फैमिली किसकी मूर्ति है रामकिंकर बैज की हरिपुरा अधिवेशन विषय क्या था ये पौराटिक पौराणिक ग्रामीण स्टोरीज है हरिपुरा पैनल्स उन्होंने बनाए हैं ना नंदलाल बोस ने नंदलाल बोस की है नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री किस धर्म के लिए तक्षशिला आए थे बौद्ध धर्म के लिए चौगान प्लेयर्स में कौन सा खेल है पोलो टर्म्स चेंज हो गए हैं लेकिन क्वेश्चंस ऐसा ही पूछा गया था ठीक है देख लेते हैं नेक्स्ट हंगरी में किस आर्टिस्ट का जन्म हुआ था किस कलाकार का जन्म हुआ था इस तरह से क्वेश्चन अमृता शेरगिल नूरुद्दीन के शैली के चित्रकार हैं नूरुद्दीन बिकानेर शैली के चित्रकार हैं अवदिनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस ने कौन से चित्र बनाए पार्थ सारथी जैसा कि आपको पता है कि पारसार्थी बहुत फेमस पेंटिंग रही है नंदलाल बोस की यहाँ पर डायरेक्टली से दे दिया गया था कि अवनी के जो स्टूडेंट हैं नंदलाल बोस उन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई फोर ऑप्शंस में पारसार्थी करेक्ट है नेक्स्ट देखिए राजस्थान में कौन सा पुरातत्विक स्थल है राजस्थान में पूछा गया था और जिनमें से ऑप्शन में था धोलावीरा था लोथल था हड़प्पा था और ऐसे ही फोर ऑप्शन थे कालीबंगा राजस्थान में है मातृदेवी किस माध्यम में बनाई गई थी जैसा कि आप लोग को बहुत अच्छे से है कि टेराकोटा में अभी जो लास्ट क्लास में मैंने एनसीईआरटी के बुक्स के बारे में वन वीक में जो मैंने बुक कंप्लीट किए हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले नेक्स्ट देखिए राम भरत मिलाप किसने चित्रित किया था कलाकार गुमान ने और गुमान आर्टिस्ट से देखिए दो क्वेश्चन आए हुए थे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भरत मिलाप पेंटिंग किसकी है तो जब शुरू में लोगों ने देखा होगा कि भरत मिलाप पेंटिंग किसकी है जिनको नहीं भी पता होगा वो जब बाद में एंड ऑफ द टाइम सेकेंड क्वेश्चन देखे होंगे तो उनको क्लियर हो गया होगा सेकेंड क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्टली से इस तरह से दे दिया गया था कि गुमान ने जो भरत मिलाप पेंटिंग पेंट किए हैं उसमें कितने फिगर्स का यूज किया गया है एक उस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड ये वाले क्वेश्चन थे नेक्स्ट है चांद बीबी पोलो खेलते हुए किससे संबंधित है गोलकुंडा से नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर संग्रहित है जिसे डांसिंग गर्ल कहते हैं जिसके बारे में मैं काफी बार क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ कि टेन पॉइंट फाइव इंटू फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव इसके साइज थे और मैंने काफी बार आप लोगों से कहा था कि राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में तूती नामा में किसकी कहानी है तूती नामा जब मैं राजस्थानी स्कूल राजस्थानी कह रही हूँ सॉरी मुगल स्कूल के बारे में जब आप लोग बोल रहे थे बहुत टाइम टेकन क्लासेस हुई थी तो मैंने वहां पे प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि तूती नामा जो है वो तोते की प्रेमालाभ की स्टोरीज को कैप्चर किया गया है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछा गया था कि तूतीनामा में किसकी स्टोरीज को रिपिक किया गया है तोते की ठीक है और इसमें देखिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए फोकस कीजिए कि की इसमें क्यूरस क्यूरो टेक्निक का यूज़ किया गया और भारत में ये पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें क्यूरस क्यूरो टेक्निक का यूज किया गया है और क्यूरस क्यूरो टेक्निक का पहली बार स्टार्टिंग किए थे जो कह, फाउंडर फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं लियोनार्डो द विंसी लियोनार्डो द विंसी सेकेंड ये की कि इसमें कितनी पेंटिंग्स है वन जीरो थ्री एक सौ तीन पेंटिंग नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बनी ठनी पेंटिंग बनी ठनी पेंटिंग किस शैली में बनी है बनी ठनी जो पेंटिंग है उसका शैली बताना है किशनगढ़ शैली बनी ठनी से भी टू टू थ्री क्वेश्चन देखने को मिल गए थे टू टू थ्री क्वेश्चन देखने को मिल गए थे कुतुब मीनार के चलिए नेक्स्ट देखिए माया देवी का चित्र किस गुफा में जब मैं आप लोगों के साथ वर्ल्ड आर्ट वर्ल्ड आर्ट करके प्ले है ठीक है वर्ल्ड आर्ट में जो मैंने पूरा प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ था राजस्थानी मुगल पहाड़ी इवन अजंता के बारे में तो अजंता के मैंने सारे पेंटिंग्स आपके पास आपके साथ शेयर किए थे तो माया देवी का स्वप्न पेंटिंग एज एट इस्ट पूछ लिया गया नर्तकी की प्रतिमा बनाई गई किस में बनाई गई लॉस्ट वैक्स टेक्निक में और ये फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक कही जाती है और लॉस्ट वैक्स टेक्निक है एक ब्रॉन्ज

मतलब सॉरी अभी करेक्ट नहीं अभी आंसर की नहीं है यो है रियली सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गुफा नंबर नाइन गुफा क्या है इस क्वेश्चन में मैं श्योर sure नहीं हूँ क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि नाइन टेन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी नाइन ये क्या है ये चैत्या है और यहाँ पर चैत्या भी दिया था गुफा नंबर नौ आपको पता ही है कि ये हिनायान और महायान हिनायाना और महायाना दोनों संप्रदाय से संबंधित है क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे तो ऑप्शंस में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था तो मैंने यहाँ पे चैत्य ले लिया है लेकिन अभी आप इसको श्योर नहीं समझे जब आंसर की आ जाएगी जब देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अजंता की गुफा सिंपल तरह से पूछा गया था कि अजंता की गुफा में किसका प्रयोग किया गया है ऑप्शन में देखिए प्लास्टर था सीमेंट था और एक और ऑप्शन था प्लास्टर सीमेंट जिप्सम करके लाइम स्टोन और एक ऑप्शन था मेथी मेथी सीड तो मेथी सीड में इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूज हूँ तो इसलिए मैंने इसका आंसर अभी नहीं रखा है नेक्स्ट है सिंधु नदी के उद्गम स्थल कहाँ है एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सोमनाथ होर का जो है चिल्ड्रन उसका मीडियम पूछा गया था कि इसका माध्यम क्या है वाटर कलर करने के बाद क्या प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन में देखिए कुछ डिफरेंट तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन के फोर ऑप्शंस थे तो इसको भी मैंने स्किप कर रखा है आंसर की आने के बाद क्लियर हो जाएगा बिकानेर शैली के चित्रों पर मुगल प्रभाव पड़ा यहाँ पे पता है थोड़े बड़े बड़े से फोर ऑप्शंस थे जिनमें से बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएटेड क्वेश्चन था इसे भी स्किप मैंने कर दिया कोटा में एक्चुअली मुझे ऑप्शन ही लर्न नहीं है कि ऑप्शन में थे क्या कोटा में कौन से विषय पर चित्र बने हैं और नेक्स्ट है देखिए कोटा हंटिंग सीन के लिए फेमस है जैसा कि आप लोग को बहुत अच्छे से पता है लेकिन हंटिंग सीन ऑप्शन में ही नहीं था ठीक है नेक्स्ट देखिए मोहरों पर अंकित है जैसा कि इम्पोर्टेंट रहा है कि लिपि लिपि अंकित है ऑप्शन में नहीं ऑप्शन काफ़ी डिफरेंट थे जैसे सांप दे दिया था सांप था थ्री टू फोर जानवर थे जिनमें से जो जानवर मोहर पे बने हुए थे वो वाले जानवर का नेम नहीं था और एक लिपि करके दे दिया गया था तो लिपि ऑफ कोर्स थी तो प्रोबेबिलिटी लिपि करेक्ट होने के चांसेस हो जाए नेक्स्ट है मानव धड़ का साइज पूछा गया था और वो भी साइज में दो तरह के क्वेश्चंस थे लाइक बस साइज जो होते हैं लेकिन क्वेश्चंस के जो टर्म्स थे थोड़े डिफरेंट थे सो फाइनली हमने जितना भी मुझे क्वेश्चंस लर्न था मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है इवन अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस लर्न हो तो आप मुझे कॉमेंट कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा मैं जब मुझे सारे कमेंट्स मिल जाएंगे जो जो क्वेश्चंस मिस हुए हैं अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर की आने से पहले सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए तो मैं एक इसी से रिलेटेड प्रॉपर एक और वीडियोस आपके साथ जरूर रिप्रेजेंट करूंगी चैनल पर न्यू है सो प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इवन कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए थे इवन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट बेसिस फॉर एग्जाम